मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। आज युवाओं का भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है, और इस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। झारखंड के ये तीन दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। दो तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है।